हाय दोस्तों, आज मैं लाया हूँ आज आपके लिए एक वीडियो, एक गॉड फार्म की। ये मैं फार्म की जो वीडियो आज जो शूट कर रहा हूँ वो उनके पास गुजरी और सुरोई कर नस्ल है, दोनों दोनों ब्रीड की नस्ल है। और मैं उनकी बकरियाँ दिखाऊंगा। वो सेल्स करने के लिए बता रहे थे कि भाई आप वीडियो डाल दो मेरे फार्म की, और वो सेल कराना चाहते हैं अपने बकरों की। और जैसे कि आप सब लोग जानते हो, मैं हूँ दानिश, बकरा मंडी ZKD। बार आज की वीडियो मैं शुरू करता हूँ अपने मोनू भाई के साथ। तो आप सब लोग आइए, देखिए, ये है मोनू भाई। तो आज इनकी मैं वीडियो शुरू करूँगा। ये है मोनू भाई, आप इन लोगों से मिलिए। तो ये मोनू भाई हैं, ये इनसे आप बात करें और ये बताएंगे कि आज कौन कौन सी नस्ल और कौन कौन सा क्या क्या दिखाएंगे। भाई दानिश भाई, मैं आपका अपने फार्म पे स्वागत करता हूँ और जो हमारे दर्शक सामने इसे देख रहे हैं उनका भी अपने फार्म पे स्वागत करता हूँ। और मैं आपको आज अपनी बकरियाँ दिखाऊंगा, बकरियाँ सेल भी करना चाहता हूँ और अपने दर्शकों को कुछ उनके बकरी पालन के बारे में कुछ जानकारी भी दूंगा। आइए। ये मोनू भाई खोल रहे हैं ये फार्म, भाई फार्म के अंदर आ चुके हैं। ये देखो बकरियां हैं इनके, इसमें गोजरी और सुरोई नस्ल की बकरियां हैं ये सारी। ये आपकी सुरोई है, ये भी आपकी देखो गुजरी है। सारी इनके पास बकरियां हैं जो ब्रीड के लिए हैं, बच्चे पैदा करने के लिए। ये आपकी गुजरी है, आपकी गुजरी नस्ल है। ये गुजरी नस्ल है। ये देखो बकरी शानदार एकदम, जिसको पालने के लिए, खरीदने के लिए, बच्चे ब्रीड पैदा करने के लिए आपको चाहिए, तो ये मोनू भाई हैं। और ये मोनू भाई, ये गुजरी नस्ल है और मैं आपको आपको अपने फार्म की एक सिरोही नस्ल की अच्छी बकरी दिखाऊंगा। ये सुरोई बकरी है जिसके बारे में मोनू भाई बता रहे हैं। हाँ बताओ मोनू भाई, क्या कह रहे हो आप? लंबी गर्दन, लंबी गर्दन की है पीठ में बैंड, और ये बीच पीठ में ये बैंड बता रहे हैं। इसकी पीठ में जो बैंड होता है, जो गड्ढा सा होता है, उसकी वजह से बता रहे हैं ये। पीठ में पूरा बैंड आएगा, हाँ, पूरी फुल लेंथ लंबाई की हाइट की बकरी है। फुल लेंथ और फुल हाइट लंबाई की बकरी है। कितने कितनी लेंथ और कितनी हाइट होगी इसकी? इसकी हाइट होगी 38-40 के करीब। 38-40 के करीब की इसकी हाइट है। भैया आप सभी लोग देख रहे हैं, 38-40 हाइट की ये बकरी है। और कौन सी है? और इसका मैं आपको इसका बच्चा दिखाता हूँ। अच्छा, इनके बच्चे भी हैं। जिनको इंटरेस्ट आ रहा है कि हमें भी एक फार्म खोलना चाहिए, हमें भी बकरी पालन का उद्योग करना चाहिए, वो मोनू भाई से इनसे आके मिल सकते हैं। और इन भाई से आपकी 101% ये बंदे ऐसे हैं, जेन्युइन बंदे हैं। ये आपका फोन भी रिसीव करें, बेचना चाहते हैं ये बच्चे जो हैं इनके। ये उसी सुरोई का बकरा बच्चा है जो अभी आपको ये दिखा रहे थे, 40 फुट 36 की जो हाइट थी उसकी, 40 इंच की जो बकरी थी उसका, ये सुरोई का बच्चा है। देखो खूब बढ़िया है और सुंदर बच्चा है। देखो आप सभी लोग देख पा रहे होंगे इस वीडियो में, भाई मैं जितना दिखाने की कोशिश करता हूँ उतना दिखाता हूँ। आप प्लीज एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें ज्यादा से ज्यादा। मैं आप सबकी वीडियो लाता रहता हूँ। ये मोनू भाई हैं, आप सब इनको देख लो, पहचान लो इनके फार्म पे, और इनका नंबर भी डाल दूंगा मैं वीडियो के अंदर, तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर लेना भाइयों। और ये देखो बच्चे हैं, इन सारे बच्चों को ये सेल करना चाहते हैं। ये सब सिरोही और गुजरी के हैं। जिनके वाइट मुंह है ये गुजरी हैं बच्चे हैं, और जिनके वाइट मुंह नहीं है वो सिरोही के बच्चे हैं। ये तोता परी और ये क्रॉस ब्रीड बता रहे हैं मोनू भाई, तोता परी और देसी की मिक्स में होके क्रॉस ब्रीड है। इसको भी ये सेल करना चाहते हैं, थोड़ा सा इधर लेते हैं इसको भी। ये देखो अब देख पा रहे होंगे, अब साफ दिख रही है ये पूरी एकदम साफ है एकदम। और कुछ मानू भाई बताओ इसके बारे में। ये तो देसी और तोता परी की क्रॉस ब्रीड बकरी बता रहे हैं। और अच्छी नस्ल की बकरी है, आप देख पा रहे होंगे, अभी 3.5 महीने की प्रेग्नेंट है। और ये 3.5 महीने की प्रेग्नेंट है इसके। ये देखो इसका आर्डर देखो, अभी अब ये देखो इसका, इसके दूध की थैली भी देखो बहुत बढ़िया है इसकी। अडर की देखो, इसकी अडर भी जो भी बढ़िया है इसकी, बेहतरीन है। बच्ची अच्छी है अभी, ये ज्यादा दिन की भी नहीं है बड़ी, अभी ये पहलवान बच्ची है, अभी इसके बाद ये बच्चे देगी। और अभी और दिखाता हूँ मैं आपको एक और, ये सुरोही दिखा रहा हूँ मैं, अच्छी नस्ल की एकदम बढ़िया फुल लेंथ हाइट की है इनकी बकरी की। बस ये अच्छी बात है कि इनकी फुल लेंथ हाइट है सारी, और सारी बच्चे वाली बकरियां हैं।
जो भी इनसे बकरी खरीदना चाहे बच्चे मतलब ब्रीडिंग के लिए, वो आके इनसे संपर्क कर लेगा। ये मोनू भाई है, मैं आपको दिखा रहा हूँ बार बार इनको, इसकी देखो फुल लेंथ वगैरह सब कुछ सही है। प्रेग्नेंट है इसके ये अंदर प्रेग्नेंट है, कितने महीने की प्रेग्नेंट है भैया? जी सर, ये 3.5 महीने की प्रेग्नेंट। ये 3.5 महीने की प्रेग्नेंट बता रहे हैं, और अभी इसको देखो, अभी इसका थोड़ा वजन कम है हल्का सा मेरे हिसाब से, मगर अभी जी ये गर्मी साढ़े से तीन महीने थोड़ा गर्मी की वजह से है, मई जून की वजह से बता रहे हैं मोनू भाई कि मई जून की वजह से थोड़ा गर्मी की वजह से ये थोड़ा वैसी है अभी, मगर वैसे मेरे हिसाब से तो इसकी हाइट वगैरह देखो, मैं नीचे से भी दिखा रहा हूँ, इसकी हाइट वगैरह एकदम बढ़िया है एकदम। एक और बकरी देखिए दानिश भाई के यहाँ पे। ये एक और बकरी दिखा रहे हैं, दिखाना भाई, ये देखो ये भी बकरी, ये भी प्रेग्नेंट है क्या? ये भी प्रेग्नेंट है, ये देखो 4 महीने की ये प्रेग्नेंट चार है। महीने की है, देखो भाई मैं इसको ये दिखा रहा हूँ, देखो पास से, और देखो ये सही है, मगर गर्मी की वजह से थोड़ी सी इनकी ये हालत देखिए डाउन है आदमी मेरी की वजह बकरी से। आएगी तीसरे ब्यात में, तीसरे कौन सी में है भैया? ब्यात में तीसरे ब्यात में है ये? नहीं बकरी आएगी। अच्छा, ये भी नई पटिया है और ये तीसरे ब्यात में है, मतलब कहने का ये है कि मतलब ये सब पहली बार बनेंगी, मतलब बच्चा देंगी ये सब पहली बार बच्चे देंगी ये। देखो भाई इनकी बकरी तो बहुत बढ़िया है, खूबसूरत भी है, एक बार इनसे कांटेक्ट करना, मैं नंबर दूंगा इनका। इनके पास सरोई गोजरी बस ये दो ही बकरी आइटम है इनके पास, ये दो ही पालन करते हैं। ये पोनू भाई इनके बच्चे भी दिखा रहे हैं, ये इनके बच्चे हैं, ये बच्चे भी इनको। हाँ दानिश भाई, एक मैं आपको तोतापरी नस्ल का प्योर अपने फार्म का ब्रीडर दिखाता हूँ, जो प्योर तोतापरी नस्ल का अदंत बच्चा आया हाँ तो ये हुआ भाई ये देखो दिखा रहे हैं, ये तोता परी अदंत बच्चा आया अभी, ये है। अभी ये ब्रीडिंग में इसको यूज करने के लिए, ये फुल अभी ये ब्रीडिंग के लिए तैयार कर रहे हैं इसको, ब्रीडिंग के लिए, लेंथ आए फिट और है, ये फुल लेंथ हाइट है। गर्मी की वजह से बस थोड़ा सा भैया आप सब लोग देख ही पा रहे होंगे कि गर्मी बहुत ज्यादा गर्मी है। ज्यादा पड़ रही है, हमारी वीडियो भी हम शूट कर रहे हैं तो कितना वो लग रहा है आपको, मैं आपको सब कुछ दिखा रहा हूँ। और भैया घुमाना है इसको मोनू भाई, अभी देखो घुमा घुमा के दिखा रहे हैं ये बकरे को, दिखाना मोनू भाई घुमाओ, ये देखो कान छोड़ दो, इसके कान दिखाओ, जी देखो ये देखो भाई कान दे, देखो है तोता परी भाई, पूरा तोता परी बक रहा है, ये देखो इतने लंबे, एक एक कान छोड़ना भाई मोनू भाई, देखो जो नीचे गिर रहा है, ये प्योर तोता परी की नस्ल है भाई इनके पास। अगर इसका ये ब्रीड बनेगी तो बच्चे ही इसके आप समझ लो कितना महंगा जाएगा। अब गुजरी और सरोई की बात करते हैं मुझसे भाई, तो मैंने आज वीडियो बनाई है इसी गुजरी और सरोई की, और ये तोता परी का ये बच्चा है। अब आप लोग प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और मैं आप सभी से कहना चाहूंगा आप मेरी वीडियो को स्किप करके प्लीज ना देखें बार बार, आप आगे करके स्किप करके देखते हैं, पूरी वीडियो में बता नहीं पाता हूँ, फिर मैं आप कहते हो मुझसे सवाल करते हो कमेंट करते हो भाई, तो मैं कमेंट का भी जवाब देता हूँ, तो आप लोग प्लीज एक बार मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, मैं हर वीडियो में अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि कौन सा क्या चीज़ है, कहाँ पे है, कहाँ मिलता है, और मैं इन सब का एड्रेस भी दूंगा पूरा कि ये आगरा में कहाँ पे है इनका फार्म मोनू भाई का, और ये सारे बच्चे हैं आप देख रहे होंगे, ये बच्चे हैं इनके, इन बच्चों को भी ये सेल करना चाह रहे हैं मोनू भाई। तो आज की वीडियो बस ये फार्म की वीडियो है भाई मेरी, तो ज़्यादा बड़ी लंबी मैं कर नहीं पाऊंगा इस वीडियो को, आज जितनी बनी है तो मोनू भाई। और हाँ तो दानिश भाई, आपके माध्यम से जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनके लिए मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर जो लोग बकरी पालन में आने की सोच रहे हैं या कुछ दिन से आ चुके हैं, तो वो उनकी जितनी हो सकती है मैं अपने माध्यम से मदद करूँगा। वो मेरे फार्म पे विजिट भी कर सकते हैं, या विजिट नहीं कर पा रहे हैं तो वो फ़ोन पर भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपने मैंने दानिश भाई को दे दिया, आप लोग मुझे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। अगर कोई आपकी बकरी बीमार है या कोई और समस्या आ रही है आपकी बकरी को, तो मैं वो भी आपकी मदद कर सकता हूँ। आज मैंने आप सबको भाई मोनू भाई की फार्म की वीडियो में दिखाया, फार्म की बकरियों में बताया, और आप सबको मैंने दिखाया कि भाई इनकी आज का मेन मकसद था सरोई और गुजरी बकरी जो होती हैं, केवल इनके पास बकरी बकरी हैं, एक ब्रीडर है इनके पास तोता परी बकरा, और वो भी अदंत है, अभी बच्चा है, वो ज्यादा बड़ा भी नहीं है। तो इन्होंने सबके बारे में, अगर जो भी कोई नया फार्म खोलना चाहता है अपने, और जो भी अपनी बकरी पालन करना चाहता है, तो वो मोनू भाई से भी कॉन्टेक्ट कर सकता है, मैं इनका नंबर वीडियो में डाल दूंगा, आप इनसे बात करें, कोई भी किसी तरह से परेशानी है या कुछ भी है बकरी में पालन समस्या में कुछ भी आ रहा है, तो ये वो भी आपको सॉल्व करेंगे बताएंगे, जो नए जो फार्म खोलना चाहते हैं। तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और
घंटे वाले बटन को भी दबाएं और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। भाई आप लाइक नहीं करोगे तो मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगी, और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। थोड़ी सी हिम्मत बढ़ती है भाई आप लोगों की वजह से। नया बंदा अपना फार्म खोलना चाहता है वो इनसे संपर्क कर लेगा। ये सब्सक्राइबर हैं, और जो नए सब्सक्राइबर हैं मैं उन सबसे एक बात कहना चाहता हूँ, प्लीज स्किप करके मेरी वीडियो ना देखें, क्योंकि मैं हर वीडियो के अंदर पूरी जानकारी देने की कोशिश करता हूँ और ज्यादा से ज्यादा जानकारियां देता हूँ मैं आपको। तो आज की वीडियो भाई, और एक बार सब्सक्राइब जरूर करें मेरे, और घंटे वाले बटन को जरूर दबाएं। तो ठीक है भाई, आज की वीडियो यहीं खत्म करता हूँ।